महाशिवरात्रि के पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने चढ़ाया जल, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, किए भगवान शिव के दर्शन। महाशिवरात्रि के पर्व पर आज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और आराधना की। इस मौके पर श्रद्धालुओं का भारी संख्या में जमावड़ा देखने को मिला। साथ ही भक्तों ने मंदिर में भंडारे के उपलक्ष्य में कुटू के आटे की पकौड़ी और चाय का भी प्रसाद वितरण किया। साथ ही मंदिर की व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। रामपुर के कोसी मंदिर में आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल चढ़ाया और दर्शन किए। यहां के महंत विष्णु शर्मा ने बताया कि यहां आज इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, क्या कितने श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया है? यहां लगभग 5 से 6 हजार श्रद्धालु आ चुके हैं अभी तक जी, और काफी प्राचीन मंदिर है, लोगों की मान्यता ज्यादा। तो ये भीड़ कितने टाइम तक रहेगी? ये रात में 8:30 बजे तक श्रृंगार होगा, तब तक मेला चलता रहेगा। रात में 8:30 बजे के बाद श्रृंगार करके विश्राम करा देगा। 8:30 बजे श्रृंगार होगा सिद्धि का। कौन सा मंदिर है ये? ये कोसी मंदिर के नाम से कहलाता है जी। नवाबी पीरियड का 1865 के समय का बना हुआ मंदिर है। शहर क्षेत्र का ये सबसे प्राचीन मंदिर। मेरा नाम रूप सिंह सैनी है जी, ऑल इंडिया सैनी समाज जिला अध्यक्ष। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये भंडारे का प्रोग्राम किया गया, क्या मामला है ये? इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मतलब ये भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कोटे की आटे की पकौड़ी, आलू, चटनी, चाय की व्यवस्था की गई है। तो ये उन भक्तों के लिए की गई है जो व्रत में है, जो भोले शंकर के व्रत रखे हुए हैं। माताएं, बहने, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए मतलब ये व्यवस्था की गई है। और दूसरी चीज, और भी जो लोग हैं वो भी शिव भक्त, भोले बाबा के भक्त हैं, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अच्छा, यहाँ पर हर वर्ष इसी तरह से जो है शिवरात्रि को मनाया जाता है इस मंदिर पर? जी, हर वर्ष यही प्रोग्राम हमेशा मतलब रहता है। जैसे सावन के अंदर भी कोई महीना आता तो हमारी पूरी जो टीम है वो भंडारा करवाती है, कांवरियों की सेवा करती है, शिव भक्त मंडल की तरफ से सारे कार्यक्रम होते रहते हैं।